लास्ट uh, सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कंसीडरेशन को एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है सपोज कीजिए अगर कोई हॉर्स है थाउजेंड रुपीस का है और उसको जस्ट आप टेन रुपीस में सेल कर रहे हो जिसमें कि बोथ द पार्टीज आर एग्रींग टू दिस तो वो वैलिड कंसीडरेशन है बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही थाउजेंड रुपीज़ बोले थे कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज इस चीज़ से एग्री कर रही थी कि यस yes, थाउजेंड में मैं सेल करूंगी और थाउजेंड में आप परचेज करना बट लेटर ऑन आप थाउजेंड को अगर हंड्रेड या वन फिफ्टी टू हंड्रेड टेन कितनी भी अमाउंट लेस देन दैट में करते हो इवन इफ इट वॉज नाइन फिफ्टी तो वो कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी कंसिडरेशन होती है जिसमें दोनों पार्टी एग्री करें अब उस थाउजेंड रुपीज पे दोनों पार्टी एग्री कर रही थी नाउ यू आर ब्रिंगिंग सम चेंज और नाउ यू आर नॉट एबल टू पे द होल अमाउंट और आप कम पे करोगे तो वो कंसीडरेशन नहीं होती है राइट दिस रूल इज ले डाउन इन विच केस दिस इज पिनल्स केस ओके पिनल्स केस था इसको आपको याद रखना है माई डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिनल्स केस दिस केस वॉज मेजरली इन्वॉल्व इन दिस इशू दैट इफ यू पे द अमाउंट विच इज ड्यू एंड लेस देन दैट देन दैट विल नॉट बी अ गुड कंसिडरेशन लेट्स डिस्कस दिस फर्दर इन दिस केस फॉक्स वर्सिज बियर फॉक्स वर्सिज बियर में क्या था स्टूडेंट्स जो डिफेंडेंट फॉक्स हैं ही वॉज टू पे डॉलर टू थाउजेंड उनको डॉलर टू थाउजेंड पे करने हैं मिसेस बीयर को अंडर अ जजमेंट डिग्री मींस उनके खिलाफ़ एक डिग्री पारित की गई थी और डिग्री में उनके खिलाफ़ जजमेंट आई कि आपको मिस्टर बी बी मिसेस बीयर को टू थाउजेंड रुपीज़ देने हैं नाउ ही इज अनेबल टू पे द होल अमाउंट टू थाउजेंड वो देने में बिल्कुल अनेबल है एट वंस एकदम से सो ही मेड एन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट बनाते हैं किसके साथ मिसिज बियर के साथ कि मैं तुम्हें अभी टू हंड्रेड डॉलर दूंगा एंड द बैलेंस जो होगा वो इंस्टॉलमेंट्स में देता रहूंगा ऑल राइट ना वेन द बैलेंस वॉज फुली पेड जब पूरा बैलेंस मतलब एक तरीके से पे कर दिया आपने इंस्टॉलमेंट्स के साथ साथ सारे पैसे दे दिए टू हंड्रेड दे दिए थे टू थाउजेंड जितने डॉलर था ये कंप्लीट हो गया देने का तो जो मिसेस बियर है वो उन पर केस डालती है फॉर इंटरेस्ट कि मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए जो आपने अमाउंट लेटर ऑन पे करी उसका इंटरेस्ट मुझे दीजिए तो क्या जो ये मिसिज बियर ने केस डाला फॉर इंटरेस्ट इज इट अ वैलिड थिंग और नॉट तो सबसे पहले तो देखिए अकॉर्डिंग टू जजमेंट इकट्ठे से मिसेस बियर को टू थाउजेंड मिलने चाहिए थे बट उन्होंने लेटर ऑन उन बोला टू हंड्रेड में पहले दूंगा और रेस्ट तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स पे देता रहूँगा तो ऑब्वियसली बात है इस पर इंटरेस्ट तुम लेना मांगता है तो इट वॉज़ हेल्ड दैट नो कंसिड्रेशन टू एक्सेप्ट द अमाउंट लेस देन वट शी वॉज एंटाइटल्ड जितना अमाउंट उन्हें मिलना चाहिए था उससे कम लेने का उनका कोई हक है ही नहीं वो एक कंसीडरेशन ऑलरेडी है ही नहीं देरफोर जो ये एक्शन लिया गया एक्शन इंटरस्ट वॉज मेंबल ये मेंटेनेबल है और उनको जरूर करना चाहिए अपना इंटरेस्ट डिमांड करना चाहिए राइट right? तो अब आपको पिनल्स केस समझ में आया कि जितना अमाउंट ड्यू होता है अगर आप उससे कम दोगे तो वो कंसिडरेशन नहीं होती है रिमेंबर नाउ लेट्स डिस्कस सम मेजर एक्सेप्शन टू दिस पेनल्स रूल

बाय अ थर्ड पार्टी मे बी अ गुड कंसिड्रेशन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द हॉल ऑफ द डेट कि अगर किसी पर्सन पर कोई डेट है कोई लोन है कोई अमाउंट उसको पे करनी है किसी को बहुत ज्यादा उसके ऊपर कर्जा है लेकिन कोई थर्ड पार्टी उसकी मदद के लिए आती है कि तुम्हारे नाम का मैं पे कर देता हूं या कर देती हूं तो अगर वो थर्ड पार्टी पूरा ना कर पाए उनके उनके लिए पे आधा कर रही है या पार्ट पेमेंट कर रही है तो वो भी एक गुड कंसीडरेशन मानी जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ द डेट राइट लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ केस वी हैव हीरा चंद पूनमचंद वर्सेज टेम्पल इस केस में क्या हुआ था स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली कि जो फादर थे डेटर के मीन्स जिसके ऊपर डेट था कर्जा था उसके फादर आते हैं और क्रेडिटर को लिख कर कहते हैं कि ऑफर आई विल ऑफर यू अमाउंट लेस देन दैट ऑफ द डेट मीन्स डेट सपोज कीजिए डेटर पर देनदारी है पच्चीस लाख रुपए ठीक है तो उसके फादर लिखते हैं जिसको पैसा देना क्रेडिटर को कि मैं तुम्हें बीस लाख ,00 दे देता हूँ किस किस के लिए अमाउंट लेस है ये बट फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट फिर तुम मेरे बेटे के सर से कर्जा सारा उतार देना फुल सेटलमेंट ऑफ डेट है आई एम द थर्ड पार्टी मैं पूरा नहीं पे कर पाऊंगा बट ट्वेंटी लैख आई एम गिविंग इन फेवर ऑफ माई डेटर माई सन टू कंप्लीट दिस फुलफिल दिस डेट अब क्या होता है क्रेडिटर पैसा ले लेते हैं ट्वेंटी लैख हो गया लेटर उन क्रेडिटर को लालच आ जाता है कि पांच लाख तो अभी भी बचा हुआ है क्रेडिटर लेटर ब्रॉट एंड एक्शन फॉर द बैलेंस अमाउंट तो क्या यहाँ पर क्रेडिटर का एक्शन लिया गया सही है अब देखा जाए तो सही भी है उसने तो 25 पच्चीस लाख दे रखे थे तो इसमें क्या बोला गया कि क्रेडिटर जो थे ही एक्सेप्टेड द अमाउंट गिवन बाय द फादर ऑन द टर्म्स ऑफ द ऑफर क्रेडिटर ने पैसा उसके फादर से लिया था तो उस टाइम फादर ने क्लियरली शब्दों में बोला था कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो फुल सेटलमेंट ऑफ डेट के लिए है और ऑफर को एक्सेप्ट भी किया था क्रेडिटर ने नाउ ही कैन नॉट मेंटेन द एक्शन अब वो कोई एक्शन नहीं ला सकता फर्दर फाइव लैक्स का अगर उसको जरा सा भी ये था 5 ,00 का तो वो तुरंत ही फादर को मना कर देता कि नहीं नहीं मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए बट अगर वो किसी थर्ड पार्टी से पैसा ले रहा है अपने डेटर के लिए तो वो कंप्लीट सेटलमेंट हो जाती है फॉर द डेट राइट स्टूडेंट्स बट वन थिंग वॉट यू हैव टू सी हेयर इज इफ द अमाउंट इज ऑफर्ड बाई वाइफ अगर वाइफ दे देती है अपने हस्बैंड के लिए सपोज हसबेंड का किसी पर कर्जा है उसको पैसे देने हैं वाइफ आती है कि मैं अपने हस्बैंड के नाम का पे करती हूँ और वो सेम सिचुएशन में है ट्वेंटी फाइव लैख थे हस्बैंड पे वो ट्वेंटी लैख पे कर देती है तो क्या यहाँ पर क्रेडिटर ऑफ फाइव लैख के लिए एक्शन ला सकता है हेयर ही कैन ब्रिंग एन एक्शन येस द एक्शन फॉर द बैलेंस इज मेंटेनेबल बाय रिमेंबर दिस पॉइंट लिसन इट केयरफुली बिकॉज वाइफ इज नॉट अ थर्ड पार्टी कानून की नज़रों में हजबैंड एंड वाइफ आर द सेम वन पार्टी ओके दे आर नॉट डिफरेंट पर्सन सो हजबैंड एंड वाइफ जो है वो सिंगल पर्सन होंगे और वो एक कोई थर्ड पार्टी नहीं है इफ़ शी इज गिविंग डेट ऑन इन फेवर ऑफ हर हजबेंड देन डैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज की ये पार ये जो पेमेंट है ये किसी थर्ड पार्टी ने दी है ओके फर्स्ट एक्सेप्शन समझ में आई सेकंड एक्सेप्शन अगर कोई कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट हो गया है क्रेडिटर और डेटर के बीच में दोनों तो ने मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट बना लिया कि भैया तू तो कुछ तो दे मुझे मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा सो दिस दैट क्रेडिटर एंड डेटर इफ एंटर इन टू अम्प्रोमाइज एग्रीमेंट एंड इन ऑफ सच एग्रीमेंट क्या होता है कि डेटर लेस अमाउंट पे कर देता है दिस इज अ डैश सेटिस्फैक्शन इसको क्या माना जाएगा कि ये एक गुड सेटिस्फैक्शन है और इसमें चलिए क्रेडिटर का पैसा उतर गया राइट स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट एक्सेप्शन इज पेमेंट बिफोर टाइम ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि टाइम जो बोला गया आप क्रेडिटर से पैसा लेते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारा एक साल के अंदर अंदर पैसा दे दूँगा और आप एक साल से भी बहुत कम पैसे लाइक विद इन टू मंथ्स पैसा पे कर देते हो तो क्या हो गया पेमेंट ऑफर लेसर सम जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है क्रेडिटर खुश होकर चलो भैया टाइम से पहले तो ले आया कोई नहीं कम है तो लेसर सम बिफोर टाइम अगर आप देते हो या डिफरेंट किसी मोड से पैसा दे रहे हो डिफरेंट प्लेस पर दे रहे हो देन जो अपॉइंट किया गया था इन द ऑरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो बात हुई थी दैट विल ऑल्सो बी अ गुड सेटिस्फैक्शन इसमें भी जो दूसरी पार्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है कम पैसे में कंसिडरेशन को मान लेती है बट दीज आर द ओनली थ्री एक्सेप्शन अदरवाइज पेइंग लेस देन विच द अमाउंट इज ड्यू दैट इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन i hope you understood this session we will meet in another session with new topic till then stay tuned have a good day thank you